हेलो नमस्कार वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं ये हेलोनिक्स का जो स्मार्ट प्लग है इसको। तो ये जो स्मार्ट प्लग है, ये स्मार्ट प्लग आता है ऑलमोस्ट मतलब जब ऑफर्स वगैरह चलते हैं तब ये 700 रुपये की रेंज में मिल जाता है। बाकी इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो रहता है लगभग 1200 रुपये के अराउंड, और जो विप्रो के और अदर स्मार्ट प्लग्स आते हैं ये उनसे काफ़ी बढ़िया, मतलब इसकी रीडिंग है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है। तो चलिए फटाफट इसके बॉक्स पे देखते हैं सबसे पहले कि इसके बॉक्स पे क्या क्या है। तो यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे आपको हेलोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये स्मार्ट प्लग है जो कि 16 एम्पियर और 6 एम्पियर के प्लग में काम करता है, और यहाँ पे इसमें विद एनर्जी कंजप्शन मीटर मतलब आपको इसके साथ मिलता है एनर्जी कंजप्शन मीटर भी मिलता है। ये जो प्लग है ये एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो कैसे क्या करता है वो हम आगे देखेंगे। और बाकी और कुछ चीज़ें इसमें देखें तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है कि ये वाईफाई से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में आपको इसको जो इससे जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जो शेड्यूल टाइम है वो भी लगा सकते हैं, और इसको वॉइस कमांड के थ्रू इसको ऑपरेट किया जा सकता है। साथ में इसको दिया हुआ है कि आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे ही जो इसकी स्मार्ट ऐप है हेलोनिक्स स्मार्ट ऐप उसके थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो इनकी स्मार्ट ऐप है वो भी ट्राई करके देखी, और जितनी भी ये स्मार्ट प्लग्स आते हैं इनकी जो ऐप आती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कोई खास अंतर है नहीं। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को हम ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर हमें मिलती है यहाँ ये जो स्मार्ट प्लग की जो यूज़र मैनुअल है वो, यहाँ पे इसके जितने भी स्पेसिफिकेशन है सब दिए हुए हैं, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि जो इसका वाईफाई है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। तो यहाँ पे है ये है स्मार्ट प्लग यहाँ पे, और यहाँ पे सामने स्मार्ट प्लग में हेलोनिक्स की ब्रांडिंग दी हुई है। और इससे पहले हम बात करें तो बॉक्स के अंदर आपको और कुछ भी नहीं मिलता है। तो बॉक्स को मैं एक बार साइड में रख देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्मार्ट प्लग है इसमें यहाँ सामने की तरफ देखिए आपको एक तो ये बटन मिलता है, और यहाँ पे सामने मिलती है हेलोनिक्स की ब्रांडिंग। यहाँ पे आप 10 एम्पियर वाले छोटे वाला सॉकेट छोटे वाला प्लग भी लगा सकते हैं, के साथ यहाँ पे एक बड़ा जो आता है पावर प्लग वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसके जो वोल्टेज वगैरह वो दिया हुआ है कि 230 वोल्ट पे भी काम करता है और 16 एम्पियर का है। और इस प्रोडक्ट की खास बात है कि ये इंडिया प्रोडक्ट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखे तो मतलब इसका डिजाइन है वो विप्रो का जो स्मार्ट प्लग आता है 16 एम्पियर वाला उसके जैसा है। ये प्लग लगता है 16 एम्पियर वाला जो बड़ा सॉकेट आता है उसके अंदर लगता है, और इसमें फ्रंट के अंदर 16 एम्पियर वाले बड़े सॉकेट के साथ साथ छोटे वाले जो प्लग हैं वो भी लग जाएंगे। तो सामने दोनों लग जाएंगे, लेकिन ये खुद से लगेगा वो बड़े 16 एम्पियर वाले सॉकेट में ही लगेगा, ताकि आप इसमें हैवी लोड वाली चीज़ें हैं उनका भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसको मुझे नॉर्मल सॉकेट में लगाने के लिए चाहिएगा एक एडाप्टर, तो यहाँ पे ये एडाप्टर मैं लेके आ गया हूँ। तो इसमें जो है पीछे ये नॉर्मल वाला जो पिन है वो आती है, और इसमें सामने ये 16 एम्पियर वाले इस तरह से सेट हो जाते हैं। तो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। अब मैं इसको लगा सकता हूँ अपने जो नॉर्मल सॉकेट उसमें। इसको काम में लेने के लिए हमें सबसे पहले जो अपना मोबाइल है उसके अंदर ये एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैं इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड ना करके ओके ओएस स्मार्ट है ऐप है वो डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये ऐप है इसका इंटरफेस काफ़ी बढ़िया है। इसमें एक दो ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं जो इसकी साथ आने वाली स्टॉक आने वाली जो एप्लीकेशन है उसके बजाय। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इसको आगे हम ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ और इसको कर देते हैं ऑन। करने के बाद यहाँ पे इसको हमें प्रेस करके रखना पड़ेगा तो लगभग 10 सेकंड ताकि इसमें पावर आ जाए। ये पावर आ गई है इसमें। ये हमने ओके ओएस जो स्मार्ट ऐप है वो ओपन कर ली है, और इसके अंदर हम चूज़ करेंगे सॉकेट। सॉकेट चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे अपना जो 2.4 वाला वाईफाई है ये चूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। मैं इसके पासवर्ड डाल देता हूँ फटाफट। यहाँ पासवर्ड डालने के बाद अब मुझे इसको करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे अभी ये वाईफाई है इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। तो ये जो लाइट ब्लिंक हो रही थी यहाँ पे स्टेबल हो गई थी। अब यहाँ पे जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पावर ऑन ऑफ का स्विच है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें कि पावर का है, टाइमर है, काउंटडाउन है, इलेक्ट्रिक है और सेटिंग है। तो अभी मैं इसको देखो पावर ऑन ऑफ को इसको यहाँ से ऑफ करूँगा। तो अभी इस लाइट को देखना ये यहाँ पे इसमें क्लिक की आवाज़ आई है और ये बंद हो गया है। एक बार आप वापस देखिए ये ऑन हो गया है, इस समय ये ऑफ हो गया है। तो जब ये ऑन होता है तो यहाँ पर ये रेड कलर की एक अलग से LED है वो ब्लिंक करने लगती है, और ये ऑफ होता है तब ये पूरा ग्रीन LED रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वाला सेक्शन है यहाँ पे ये दिखा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं कि जो इस स्मार्ट प्लग के अंदर जो वोल्टेज है वो आ रहा है 237.1। तो ये रियल टाइम के अंदर इसको शो भी करता है। तो चलिए हम इसके अंदर कुछ लोड लगाते हैं और देखते हैं कि जो इसमें रीडिंग है वो किस तरह से आती है। तो ये फ़ोन है, मैंने इस फ़ोन को ही यहाँ पर चार्जिंग पर लगा दिया है। तो चार्जिंग पर लगाते ही देखिए यहाँ पर रीडिंग आना स्टार्ट हो गया है।
यहाँ पे ये एम्पियर आ रहा है, ये 6.7 वॉट इस समय कंज्यूम कर रहा है, और कुछ देर के बाद यहाँ पे ये जो है इसकी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो किलोवाट आवर के अंदर वो भी अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आते हैं। यहाँ पे हम टाइमर भी लगा सकते हैं कि भाई कितने टाइम के बाद ये ऑन ऑफ, या इसको पावर ऑन करना है कि पावर ऑफ करना है। इसके अलावा यहाँ पे काउंटडाउन है कि इतने टाइम के बाद ये बंद हो जाए। इलेक्ट्रिक वाले में आपको दिख रहा है यहाँ पे पावर कंजप्शन जैसे हो रही है, वो सब यहाँ पे हम मीटर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है उसके सारे जो डाटा है इलेक्ट्रिक डाटा वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो इसकी एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम है कि ये जो करंट सेशन है केवल उसी की डिटेल्स बताता है। तो मतलब अगर आप इस एक सॉकेट के अंदर अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो ये उन सब का कम्बाइंड टोटल ही जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है वो बताएगा। तो अगर आपको इसमें अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उनका जो कंजप्शन है, पावर कंजप्शन वो देखना है, तो हर बार आपको क्या करना पड़ता है कि जो प्रीवियस डिवाइस थी उसका जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है उसको डिलीट करना पड़ता है। जो इनकी स्मार्ट प्लग्स हैं, इनकी जो जितनी भी एप्लीकेशन हैं अभी इस समय ऑलमोस्ट सभी सेम ही आती हैं, तो ऐसा कोई अलग से है नहीं। और जो एलेक्सा है और जो गूगल असिस्टेंट है वो मैंने ट्राई करके देखा, लेकिन मेरे से कुछ सेटिंग वगैरह नहीं बैठ पा रही है। कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब के अंदर जो कि अच्छे से इसको वर्क करते हुए दिखाते हैं, बट अभी तक हाल फिलहाल तो जब से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ मेरे से वो जो गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। हाँ, हो सकता है एलेक्सा पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन गूगल असिस्टेंट पे अभी तक मेरे से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बाकी इसकी एक फैसिलिटी बढ़िया है कि आप अपनी जो भी डिवाइस है, जो भी इसमें आप प्लग करेंगे उसको आप अपने मोबाइल के थ्रू ही ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो है वो मैंने परचेज़ क्यों किया, तो ये जो कुछ अप्लाइंसेस होते हैं जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कर रहे हैं चार्जिंग के अंदर, और भी बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कर रहे हैं, उन सबको मॉनिटर करने के लिए मैंने इस स्मार्ट प्लग को लिया है। तो अगर आप भी ऐसे कोई डिवाइस देख रहे हैं जिसके थ्रू आप जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है उसको मॉनिटर कर सकें तो ये काफ़ी बढ़िया लगा। और जो इसकी एक्यूरेसी है उसके मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे और वीडियोस देखे हैं जहाँ आप इसकी एक्यूरेसी जो विप्रो और अदर स्मार्ट प्लग्स हैं उनसे काफ़ी बढ़िया बताई गई है। तो होप ये छोटा सा वीडियो आपको थोड़ी सी मदद करेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी क्या है ये समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, टिल देन मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।